राधे राधे कृष्ण कन्हैया गोपाल प्यारो बजैया। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। अगली एकादशी बुधवार 12 को पंद्रह दिन है बाजा सीख लेना। अच्छा, बाजा पे रसिया बोलना तो यहीं तुम लोगों भी रस बरसेगा। गोविंदा गोविंदा जय राधे राधे गोविंदा 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 जय राधे राधे गोविंदा गोविंदा जय राधे 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 गोविंदा राधे राधे गोविंदा राधे राधे गोविंदा 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 श्री राधे 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 गोविंदा 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 राधे जय जय मुरली बारे प्यारे जय जय मुरली बारे प्यारे जैसे बंसी बारे प्यारे जय जय बंसी बारे प्यारे जय जय प्यारे मेरे प्यारे जय जय प्यारे मेरे प्यारे गोविंदा गोविंदा जय राधे राधे गोविंदा 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 जय राधे 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 गोविंदा राधे राधे गोविंदा जय जय भानु दुलारी राधे 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 बरसाने वारी राधे बरसाने वारी राधे गैवर बनवारी राधे गैवर बनवारी राधे गोविंदा गोविंदा राधे राधे गोविंदा गोविंदा
गोविंदा गोविंदा जय राधे राधे गोविंदा गोविंदा राधे राधे गोविंदा। जय जय रूप उजारी राधे जय रूप उजारी राधे जय जय रूप उजारी राधे जय रूप उजारी राधे। श्री राधे मैं तो शरण तिहारी राधे तो शरण तिहारी राधे मैं तो शरण तिहारी राधे मैं तो शरण तिहारी राधे गोविंदा गोविंदा जय राधे राधे गोविंदा 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 राधे राधे गोविंदा। बैठ जाओ अभी बहुत से बच्चे आ गए हैं। जय गोविंदा जय राधे राधे गोविंदा 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 जय राधे राधे गोविंदा 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 राधे राधे गोविंदा। मेरो बंसी बजैया गोपाला मेरो बंसी बजैया गोपाला मेरो गिरवर उठैया गोपाला मेरो गिरवर उठैया गोपाला गोपा मेरो रास रचैया गोपाला मेरो रास रचैया गोपाला मेरो रास रचैया गोपाला मेरो रास रचैया गोपाला मेरो माखन चुरैया गोपाला मेरो माखन चुरैया गोपाला मेरो माखन चुरैया गोपाला मेरो माखन चुरैया गोपाला। गोविंदा गोविंदा जय राधे राधे गोविंदा 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 राधे राधे गोविंदा राधे राधे गोविंदा। गोविंदा गोविंदा जय राधे राधे गोविंदा 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 राधे राधे गोविंदा 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 जय राधे राधे गोविंदा गोविंदा गोविंदा
राधे राधे गोविंदा, जय जय भानु दुलारी राधे, जय जय भानु दुलारी राधे। कीरति सुकुमारी राधे, कीरति सुकुमारी राधे। बरसाने वारी राधे, बरसाने वारी राधे। श्री राधे, राधा रानी की जय। बरसाने वारी की जय। गैबर बनवारी की जय। मैं शरण तिहारी राधे, मैं शरण तिहारी राधे। गोविंदा गोविंदा जय राधे राधे गोविंदा, गोविंदा गोविंदा जय राधे राधे गोविंदा, गोविंदा जय राधे राधे गोविंदा, गोविंदा गोविंदा जय राधे राधे गोविंदा, 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 गोविंदा गोविंदा जय राधे राधे गोविंदा, गोविंदा गोविंदा राधे राधे गोविंदा। राधा रानी की जय। देखो हम लोग किस देश में रहते हैं बताओ, भारतवर्ष में। इस देश में मनुष्य बनने के लिए देवता भी तरसते हैं। क्या कहा? अहो अमीशाम किम कार्य शोभनम, देवता लोग ऊपर बैठे बैठे स्वर्ग में कह रहे हैं भारतवर्ष को देख करके। यहां के लोगों ने क्या किया है जो भगवान ने दया करके इनको यहां मनुष्य बना दिया। प्रसन्न एषाम स्विदेता स्वयं हरि, स्वयं भगवान प्रसन्न हो गया है। यैर जन्म लब्धम नृषु भारताजिरे, प्रसन्न होकर क्या किया, भारतवर्ष में जन्म दिया। क्यों दिया? मुकुंद सेवई पैकम स्पृहाहिना, इस देश में रहने वालों को अपने आप भक्ति मिल जाती है। देखो यहाँ जो लोग रहते हैं वो अपने आप राधे राधे कहते हैं, नाम सुनाई पड़ता है भगवान का, जो नहीं सुनना चाहते उनको भी सुनाई पड़ता है। भगवान का नाम सुनने का भारतवर्ष में ही मौका मिलता है। क्या कहा?
हाँ, संसार के किसी देश में भगवान का नाम नहीं मिलता है। लोग मानते हैं भगवान को अपने अपने अलग अलग रूप से, लेकिन भारतवर्ष में भगवान का नाम है, भगवान जन्म लेता है, खेलता है, दिखाई पड़ता है, इसलिए भारतवर्ष सबसे बड़ा है। क्यों बड़ा है बताओ? हाँ, जोर से बोलो, डरे नहीं। हाँ ठीक, यहाँ भगवान मिलता है, भगवान के दर्शन होते हैं। जैसे मीरा जी थी, वो कहाँ पैदा हुई थी मालूम है? हैं? हाँ, राजस्थान में, चित्तौड़ की महारानी थी। और उन्होंने कहा, बंद क्यों कर दिया? चला वाही देश, चला वाही देश, चला वाही देश, चला वाही देश। चला ब्रज देश, चला ब्रज देश, चला ब्रज देश, चला ब्रज देश। क्यों? प्रीतम पावा चला वही देश, प्रीतम पावा चला वही देश, प्रीतम पावा चला वही दे, प्रीतम पावा चला वही दे, चला वही दे, चला वही दे, चला वही दे, चला वही दे। गोपाल 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 गोपाल, गोपाल 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 गोपाल। यहाँ भगवान को बुलाओगे तो भगवान अवश्य आता है। अभी हमको सुनाएंगे तुमको कथा। गोपाल 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 गोपाल, गोपाल 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 गोपाल, गोविंदा रे गोविंदा, गोविंदा रे गोविंदा, गोविंदा हे गोविंदा, गोविंदा हे गोविंदा। चला वाही देश, चला वाही देश, चला वाही देश, चला वाही देश, चला ब्रज देश, चला ब्रज देश, चला ब्रज देश, चला ब्रज देश। और बोली, यहाँ तो मैं महारानी हूँ, सोने की साड़ी पहनती हूँ, और वहाँ ब्रज में तो ये ठीक नहीं है, ब्रज में जोगिन बन जाऊँगी। क्या बन जाऊँगी? भगवान के प्रेम में अब रानीपना नहीं रहा है। चला वही देश, चला वही दे, चला वही दे, चला वही दे, कहाँ तो कसूबी साड़ी पहरिया, कहाँ तो कसूबी साड़ी पहरिया,
कहां तो कसूमी साड़ी पहरिया, कहां तो कसूमी साड़ी पहरिया, कहां तो भगवा बेश, कहां तो भगवा कहां तो भगवा बे, कहां तो भगवा बे, चला वाही दे चला वाही दे चला वाही दे चला वाही दे, चला ब्रज दे चला ब्रज दे चला ब्रज दे चला ब्रज दे, चलो वहां गोपाल को बुलाएंगे, गोपाल रे गोपाल, गोपाल रे गोपाल, गोपाल रे गोपाल, गोपाल रे गोपाल, बुलाओ गोपाल, फिर से बुलाओ गोपाल, चला वाही दे चला वाही दे चला वाही दे चला वाही दे, यहां तो मैं रानी महारानी हूं, मोतियों से हमारी मांग भरी जाती है, क्या कहा, हाँ हीरा मोती ये सब पहनती थी, और वहां ब्रज में चलेंगे तो रानीपन नहीं रहेगा, जोगिन बन जाएंगे, वहां हीरा मोती काम नहीं है, कहां तो मोतियन मांग भरावा, कहां तो मोतियन मांग भरावा, कहां तो मोतियन मांग भरावा, कहां छिटकावा केश, कहां छिटकावा केश, कहां छिटकावा के, कहां छिटकावा के, चला वाही दे चला वाही दे चला वाही दे चला वाही दे, चला वाही दे चला वाही दे चला वाही दे चला वाही दे, गोपाल रे गोपाल गोपाल रे गोपाल, गोपाल रे गोपाल रे गोपाल रे गोपाल, आ गई, और आने के बाद उनको श्याम सुंदर मिले, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, 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 सुनियो सुनियो बिरद नरे, सुनियो बिरद नरे, सुनते हैं भगवान जब कोई बुलाता है तो सुनते हैं, ऐसा नहीं, उनके हजारों कान हैं, अनंत कान हैं, सहस्र शीर्षा पुरुषः, गीता में भगवान ने कहा सर्वतः पाणिपादं तत्, क्या कहा है बोलो, सर्वतोक्ष शिरोमुखम, सब जगह उनके हाथ है, सब जगह उनके पांव हैं, सब जगह उनकी आंख है, सर्वतः श्रुतिमल लोके, सब जगह उनके कान हैं, सर्वम आवृत्य तिष्ठति, इसलिए यहां जब बुलाता है तो भगवान सुनते हैं, बुलाओ गो, गो!
मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। सुनियो बिरद नरे, सुनियो बिरद नरे, सुनियो मेरी सुनियो बिरद नरे, सुनियो बिरद नरे, चलवाही दे चलवाही दे, चलवाही दे चलवाही दे, चल ब्रज दे चल ब्रज दे, चल ब्रज दे चल ब्रज दे। अच्छा अब तुमको कथा सुना दें छोटी सी, जिसको जल्दी हो चले जाना और नहीं जल्दी तो बैठ के सुनो। कथा सुनाते हैं आज भक्त त्रिलोकी सुनार। क्या है? हाँ हम पूछा करेंगे बीच बीच में, जो नहीं सुनेगा वो नहीं बोलेगा और जो समझेगा बोलेगा। ये त्रिलोकी भक्त कई से साल पहले यहां हुए हैं। उस समय मुसलमानों का राज्य था। क्या था? और वे लोग बड़ा अत्याचार करते थे, सताते थे, किसी तरह से हम लोग स्वतंत्र हुए। क्या समझे? स्वतंत्र माने अपना ही राजा। लेकिन अपना जो राजा बना वो और बुरा पड़ा, वो हमारी धर्म को हमारी संस्कृति को नष्ट कर रहा है। आज जितने राजा हैं ये सब हमारे धर्म के हमारे संस्कृति के शत्रु हैं। ये क्या हैं? क्योंकि हम लोगों में एकता नहीं है। क्या कहा? हम लोगों में फूट है। तो त्रिलोकी सुनार थे, बहुत अच्छे सुनार थे, ऐसा गहना बनाते थे कि सारी दुनिया में उनका नाम था। बादशाह की लड़की का ब्याह था, ब्याह समझते हो ना? हाँ, तो ब्याह में गहने बनाए जाते हैं, अपनी लड़कियों को अपने बच्चों को देते हैं लोग। तो बादशाह ने भी त्रिलोकी सुनार को बुलाया दरबार में। गए वे, बड़े भक्त थे, दिन रात कीर्तन करते थे। और उसके बाद बादशाह ने एक दरबार में कहा, ए त्रिलोकी। बोले, हुजूर हमारे लड़की की शादी है, तो उसके लिए तुम पायजेब बना के लाओ, अच्छी से अच्छी पायजेब। जानते हो कहाँ पहनी जाती है? हाँ हाँ ठीक, पाँव में। तो यहाँ से ले जाओ सोने, ले जाओ हीरे मोती चांदी, ले जाओ ऐसी पायल बनाओ, पायजेब बनाओ,
कि हमारी लड़की जब पहन के जाए तो लोग देखते रह जाएं, और तुमको जो चाहिए पैसा तुमको दिया जाएगा। उसने कहा ठीक है महाराज बादशाह जी, एक महीने के हम तुमको समय देते हैं, एक महीने में पायजेब बना करके दे जाना, और सोना, बड़े बड़े रत्न, नगीने दे दिया, ले जाओ। वो लाए और कीर्तन में लग गए। उनके यहाँ भक्त लोग आते थे, सबको भोजन देते थे, जबकि सुनारों में भक्ति नहीं होती है। कबीरदास ने कहा, कहें कबीर हम सब जग छानिया, क्या कहा, भगत न देखा सुनार ओ बानिया। सुनार लोग भक्त नहीं होते हैं, क्योंकि सोना चुरा लेते हैं। कोई सोना के गहना बनाएगा तो कुछ न कुछ उसमें चुरा लेते हैं, और बनिया भी वो डाणी मारता है, तब तौलता है तो कम तौलता है जिसमें पैसा बच जाए। तो ये चोर होते हैं, इनको भक्ति उक्ति नहीं मिलती, लेकिन ये भक्त थे। और इन्होंने, इनके यहाँ सैकड़ों भक्त आते थे, भोजन करते थे, और भोजन करते थे भगवान की भक्ति के प्रताप से, कभी घाटा नहीं होता था। कभी कमी आती है क्या? जो भक्तों की सेवा करता है तो कभी कमी नहीं आती है। क्यों बोलो? अच्छा, अब देखो तुम लोग यहां कहां प्रसाद पाते हो? रस मंदिर में सब पाते हो, लड़कियां भी पाती हैं, 125-150 लड़के पाते हैं, आने जाने वाले लोग पाते हैं, 500 आदमी 700 आदमी रोज पाते हैं, लेकिन कमी नहीं है। ऐसे त्रिलोकी जी के यहाँ कीर्तन वाले आते थे, कितने भी आ जाओ सबको भोजन। तो वो दिन रात कीर्तन में भूल गए कि हमको बायशाप के पायजेब बनानी है, लड़की का ब्याह है, आज बना लेंगे कल बना लेंगे, क्योंकि जीवन तो जा रहा है, इसमें जितना हम भजन कर लें ठीक है, आई समझ में, और नहीं करोगे तो फिर इस समय चला जाएगा, फिर कभी नहीं आएगा। मनुष्य शरीर दोबारा नहीं मिलता। तो दिन रात भजन करते रहे, और सिपाही लोग आते थे, ए त्रिलोकी जी महाराज बना रहा है, हाँ बना रहे हैं, झूठ बोल देते थे। और ऐसे ऐसे महीना बीत चला, 2-4 दिन रह गए, सिपाही लोग आए, बोले अरे गहना बना लिया, तो बोल गए झूठ, हाँ हाँ बस थोड़ी सी कसर है, कल ले जाना। बोले नहीं, तू खुद चलना, अपने हाथ से बादशाह को देना। हाँ हाँ कहते रहे और कीर्तन करते रहे।
जहाँ पचासों आदमी कीर्तन करते हैं वहाँ आनंद आता है कि नहीं है। अब तुम लोग रस मंदिर में कीर्तन करते हो तो आनंद आता है कि नहीं है? सैकड़ों लड़के हैं, सैकड़ों लड़कियां हैं, सब लोग रात को कीर्तन करते हो तो दूर दूर से लोग देखने आते हैं, उनको भी आनंद आता है। और भूल गए कि कल आए, कल हम जाना है, और कीर्तन होता रहा, आनंद आता रहा, नाचते रहे, गाते रहे। वो दिन बीत गया। बादशाह ने कहा कि अरे त्रिलोकी नहीं आया। लोगों ने कहा हुजूर हम तो कल बुलाने गए थे, लेकिन वो तो पागल है, नाचता है, झांझ बजाता है, ढोलक बजाता है, और उसके यहाँ बहुत से ऐसे लोग पागल हैं, उनको पागल कहते हैं उस मुसलमान लोग, वो नाचते हैं और हरी हरी बोल ऐसा करते हैं। तो अच्छा जाओ पकड़ लाओ। सिपाही लोग गए, बादशाह क्या ला बोला, लाओ लाओ पकड़ त्रिलोक चढ़ाऊं फांसी पर, जाओ उसको पकड़ के लाओ त्रिलोक को, मैं फांसी दे दूंगा। लाओ लाओ पकड़ त्रिलोक चढ़ाऊं फांसी पर, लाओ लाओ पकड़ त्रिलोक चढ़ाऊं फांसी पर, लाओ लाओ पकड़ त्रिलोक चढ़ाऊं फांसी पर। पुलिस चली, सिपाही चले, त्रिलोक से जाकर के कहा अरे त्रिलोक भक्त पुलिस आ रही है पकड़ने, तुझको फांसी दी जाएगी, भाग जा। त्रिलोक वहां से चले और दूर जंगल में जाकर के छिप गए। भागे भागे जाए त्रिलोक, भागे भागे जाए त्रिलोक, भागे भागे जाए त्रिलोक, भागे भागे जाए त्रिलोक, जाए छिपे बन के भीतर, जाए छिपे बन के भीतर, जाए छिपे बन के भीतर, जाए छिपे बन के भीतर। वहां जाकर के भगवान को बुलाने लग गए, अब क्या होगा प्रभु, आज फांसी लग जाएगी हमारी, अब एक दिन में हम बना भी नहीं सकते। वन में जाकर कृष्ण नाम ले ऊंची टेर लगाऊं, वन में जाकर कृष्ण नाम ले ऊंची टेर लगाऊं। बुलाने लग गए, गोपाल 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 गोपाल,
गोविंदा रे गोविंदा गोविंदा रे गोविंदा गोविंदा रे गोविंदा गोविंदा रे गोविंदा। कीर्तन करें प्रेम सो अखियन आंसू धार बहावे। कीर्तन करे प्रेम सो अखियन आंसू धार बहावे। आंख से आंसू बह रहे हैं, भगवान को बुला रहे हैं, आंसू धार बहावे आंसू धार बहावे। गोपाल 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 गोपाल। लाओ लाओ पकड़ त्रिलोक चढ़ाऊं फांसी पर। आवाज पहुंची, गोपाल जी ने सुना और गोपाल जी स्वयं त्रिलोक बन गए। जैसा उनका शरीर था, रंग रूप था त्रिलोक भगत का, हाथ में सोना का काटने का औजार, उसको वैसा बना करके प्रभु बने आए त्रिलोक गए राजा के दर। 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 राजा गुस्से में बैठा है, आते मान फांसी दे देंगे। लाओ लाओ पकड़ त्रिलोक चढ़ाऊं फांसी पर। लाओ 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 पकड़ त्रिलोक चढ़ाऊं फांसी पर। लाओ लाओ पकड़ त्रिलोक चढ़ाऊं फांसी पर। भगवान ने त्रिलोक भगत का रूप बनाया और गहने जो बने बनाए ले करके दरबार में पहुंचे और जा करके बादशाह को सलाम किया। अपने भक्त को बचाने के लिए जो तीन लोक के नाथ हैं भगवान, वो अपने भक्त को बचाने के लिए देखो बादशाह को सलाम कर रहे हैं। कही सलाम त्रिलोकी पति ने कौतुक नए दिखावे। कही त्रिलोक पति ने कौतुक नए दिखावे। कही सलाम त्रिलोकी पति ने कौतुक नए दिखावे। सलाम त्रिलोक पति ने कौतुक नए दिखावे। भक्तन की रक्षा के कारण नाना भेष बनावे। भक्तन की रक्षा के कारण नाना भेष बनावे। भगवान त्रिलोक बन गए, क्यों बन गए? भक्त को बचाने के लिए। जैसे भगवान नरसिंह बन गए थे, याद है, प्रहलाद जी को बचाने के लिए सिंह बन गए। भक्तन की रक्षा के कारण नाना भेष बनावे। भक्तन की रक्षा के कारण
देश बनाए। दरबार में गए, हाथ में वही पायजेब यानी पायल है। गए राजा के घर आपले पायन हाथन, गए राजा के घर आपले पायन हाथन। गए राजा के घर आपले पायल हाथन, गए राजा के घर आपले पायन हाथन। लाओ लाओ पकड़ तिरलोक चढ़ाऊं फांसी पर, लाओ पकड़ तिरलोक चढ़ाऊं फांसी पर। लाओ लाओ पकड़ तिरलोक चढ़ाऊं फांसी पर, लाओ लाओ पकड़ तिरलोक चढ़ाऊं फांसी पर। हाथ में पायल ऐसे चमक रही है जैसे चंद्रमा, आकाश से चंद्रमा आ गया। डब्बा से पायल जब निकली चौके देखन हार, डब्बा से पायल जब निकली चौके देखन हार। सभा दरबार में सबको दिखाई पड़ रहा है कि पायल क्या है, तो चांद है। डब्बा से पायल जब निकली चौके देखन हार, डब्बा से पायल जब निकली चौके देखन हार। ऐसी चमक रही चंदासी रैना जैसे तारे, ऐसी चमक रही चंदासी रैना जैसे तारे। बादशाह ने कहा ए त्रिलोकी बना लाया? बोले हुजूर देख लो, ओ ये तो चंद्रमा की तरह मग चमक रही है। खुश हो गया। और जो लोग शिकायत करते थे कि पागल हो गया है, नाचता है गाता है, सिपाहियों ने कहा था बोले पकड़ लाओ इन सिपाहियों को, झूठ बोलते हैं, ये पागल कहाँ है, इसने ऐसी पाल बनाई है, चंद्रमा भी इसके सामने कुछ नहीं है। राजा ने कियो नाम बहुत सा धन दे दे कर, राजा कियो नाम बहुत सा धन दे दे कर। तमाम धन दिया, लो ले जाओ। राजा ने कियो मान बहुत सा धन दे दे कर, राजा ने कियो मान बहुत सा धन दे दे कर। लाओ 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 पकड़ तिरलोक चढ़ाऊं फांसी पर, लाओ लाओ पकड़ तिरलोक चढ़ाऊं फांसी पर। अब वो त्रिलोक भक्त सब पैसा लेकर के, धन लेकर के घर आ गए। कौन से त्रिलोक हैं मालूम है? भगवान जो त्रिलोक बने हैं, असली त्रिलोक तो वहां है जंगल में छिपा हुआ, तो कहाँ है? और भगवान त्रिलोक बन करके यहां खेल कर रहे हैं। और ठाकुर जी ने उस पैसे का भंडारा किया और सारे शहर के भक्तों को बुलाया कि त्रिलोक भक्त के यहां आज भंडारा है। घर आए महोत्सव कियो विप्र औ साधु आए, घर आए महोत्सव कियो विप्र औ साधु आए।
तमाम साधु ब्राह्मण आ गए भोजन करने के लिए, और एक एक संत को, एक एक ब्राह्मण को बहुत बहुत धन दिया। बहुत दान दक्षिणिया दियो, बहुत आनंद सब पाए। बहुत दान दक्षिणा दियो, बहुत आनंद सब पाए। अब ठाकुर जी सोच रहे हैं कि असली त्रिलोक तो वहां जंगल में बैठा है डर के कारण, अब क्या करें। तो एक साधु को रूप बनाया और वहां पहुंच गए जंगल में, और वो छिपे थे एक पेड़ के झुरमुट में कि कोई देख न ले, देख लेगा तो फांसी दे देंगे राजा। ठाकुर जी ने वहीं पर झांका और बोले, अरे त्रिलोक यहां क्या कर रहा है। बोले, कौन भाई, डर गए। अरे इसने तो यहां पहचान लिया, अभी कह देगा तो जाकर के राजा पकड़ेगा। बोले, अरे छिपा क्यों है, त्रिलोक भक्त के यहां चला जा, वहां बड़े बड़े माल घुट रहे हैं और दक्षिणा मिल रही है, हजारों रुपए दक्षिणा मिल रही है, जा ये देख मैं लाया हूं। तो त्रिलोक भक्त ने सोचा, अरे ये तो सच में, बोले त्रिलोक भगत से बैठा ये है कौन अभागा। बोले त्रिलोक भगत से बैठा ये है कौन अभागा। ये कौन अभागा बैठा है, खूब खावे और दक्षिणा ले। पंगत कर दक्षिणा दान ले, भाग सभी का जागा। पंगत कर दक्षिणा भाग ले, भाग सभी का जागा। आए त्रिलोक भक्त और देखा यहां पंगत हो रही है और दक्षिणा बट रही है, बांटने वाला देखा उन्हीं जैसा है, कोई वैसे ही रूप है, वैसे ही कपड़ा है। तो त्रिलोक भगत देख के बोले, अरे भाई ये तो दूसरा त्रिलोक है कोई, ये कहां से आ गया, ये तो हमारा ही रूप है। और त्रिलोक भक्त गए उससे मिलने के लिए, जो नकली त्रिलोक था, जिनके वहां जाते मानो भाग गया, उछला गया, गायब हो गया, भगवान चले गए। और उसके बाद उन्होंने पूछा कि भाई ये पंगत कौन कर रहा है। तो लोगों ने कहा, त्रिलोक भगत कर रहा है। अरे मैं तो जंगल में छिपा था, फिर पता लगा कि कोई त्रिलोक आया था, वो पायजेब बनाया, पायल बनाया और राजा को दिया बादशाह, तो बादशाह ने बहुत से धन दिया है। तो दौड़े दौड़े गए दरबार में, दरबार में गए तो वहां भी बादशाह ने बड़ा सम्मान किया, आओ आओ त्रिलोक, तुमने इतनी अच्छी पायल बनाई है कि उसके सामने चंद्रमा भी कुछ नहीं है। त्रिलोक भक्त ने देखी वो पायल सच में चांद की तरह चमक रही थी, समझ गए सब भगवान की लीला है। प्रभु आ देख देख आ भगवन रूप त्रिलोकी का घर। प्रभु आ देख आ भगवन रूप त्रिलोकी का घर। लाओ लाओ पकड़ त्रिलोक चढ़ाऊं फांसी पर। लाओ लाओ पकड़ त्रिलोक चढ़ाऊं फांसी पर। पकड़ त्रिलोक चढ़ाऊं फांसी पर।
इसलिए ऐसे विश्वास के साथ कीर्तन किया करो। रात में भी करते हो तुम लोग एक घंटा, बड़े विश्वास के साथ नाचा करो। गोपाल रे गोपाल, गोपाल रे गोपाल, गोपाल हे गोपाल, हे गोपाल हे गोपाल, गोपाल रे गोपाल, हे गोपाल रे गोपाल, हे गोपाल हे गोपाल, हे गोपाल हे गोपाल। कन्हैया लाल की। अब जाओ सब लोगों।